सर्दियों के मौसम में कई तरह की हरी सब्जियां पाई जाती हैं। इन दिनों लोग सरसों का साग, मेथी का साग, बथुए का साग या फिर सोया का साग बेहद पसंद करते हैं। लेकिन इन सब में खास माना जाता है सोया का साग, जिसमें कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोया का साग नियमित तौर पर सेवन किया जाए तो इससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि सोया में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीज और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं, सोया में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि सोया को साग बनाकर, आलू सोया की सब्जी, सोया दाल या फिर दूसरे साग के साथ मिलाकर इसको पकाया जा सकता है। सलाद के तौर पर सूखी सब्जियों या फिर सूप के ऊपर गार्निश करके भी सोया का सेवन किया जा सकता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि सोया में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूती देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन महिलाओं में खून की कमी को दूर करता है। सोया में ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जिससे माहवारी के दिनों में होने वाली पीड़ा को ये कम करता है। सोया इतना गुणकारी है कि ये अनिद्रा की समस्या से भी निजात दिलाता है। इतना ही नहीं, मानसिक तनाव से गुजर रहे लोग अगर सोया का सेवन नियमित तौर पर करें तो वो दिमागी स्ट्रेस को दूर कर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। सोया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण, जिसकी वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो वहीं सामान्य दुर्बलता, कमजोरी और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए भी मददगार होता है। सोया में मौजूद फाइबर की वजह से ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरन जय सिंह की रिपोर्ट। सोया साग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, डी, के और मैग्नीज, ये सब जो है बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये हमें जो है एनीमिया से बचाता है और विशेषकर ये जो डायबिटीज की समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये रक्त शर्करा को भी कम करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है हम अवसाद कम करने में कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से हमें जो नींद की समस्या है वो दूर होती है, नींद अच्छी आती है और ये हमें स्ट्रेस से बचाता है। और इसका प्रयोग हम साग बनाने में कर सकते हैं और इसको आलू के साथ साग बनाने में किया जा सकता है और इसका दूसरे साग के साथ इसको मिला करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम दाल में भी प्रयोग कर सकते हैं।